Hey guys, welcome to my channel. My name is Bushir Dholakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my channel. So, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत एक बहुत ही आई थिंक अमेजिंग वीडियो होने वाला है टू द स्पेशली फैन ऑफ शाहरुख खान SRK बादशाह खान. आई थिंक जिस तरह से शाहरुख खान ने अपनी स्ट्रगल की है, जिस तरह से उनकी पूरी जर्नी रही है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो उनको प्यार न करता हो, उनसे मोहब्बत न करता हो. मैं जितना हमेशा कहता हूँ मैं अपने दोस्तों से भी कि आई एम अ बिग शाहरुख खान फैन, और हमेशा जब हमारी बात होती है तो आई ऑलवेज से कि मैं जितना बड़ा उनका रियल लाइफ का फैन हूँ या रियल लाइफ का फैन हूँ आई शुड से, उतना ही बड़ा मैं उनकी रियल या पर्सनल लाइफ का फैन हूँ. जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की है, जिस तरह से उन्होंने अपना मुकाम बनाया है. एंड अगर आप शाहरुख खान को जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि शाहरुख खान ही इज समन हु गिव्स He knows how to give an answer, not just to the challenges but to the people as well. और वो हमेशा जो है वो अपने अपने अंदाज से, हमेशा अपने बोल से जीत जाते हैं. He is the wittiest person I think you can ever see. And आज हम वीडियो जो है वो उसी उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर ही देखने वाले हैं, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का है. और हमेशा वो वक्त वक्त पर उसका एक तरह से हमें अंदाज़ा देते रहते हैं. सो आज जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल जो है वो है शाहरुख खान wittiest answer to the journalist will blow your mind, Shahrukh Khan. So yeah, let's see the video first. The original link is in the description, and also make sure you watch the entire video. If you like my reaction, make sure you like the video, share the video, and subscribe to the channel as well. So yeah, let's see the video first, and we'll discuss the video. Let's do that. Salman, one last question this side. I apologize to intervene. One last question, Salman, this side. Salman. Sorry, Shahrukh, this side. I don't know where are you speaking from. Shahrukh, this side. I think I've seen this one. I'm literally sorry. Especially it is from the Lipika, time where Salman and Shahrukh were had a little problem. Don't 2-3 years back. It's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Dipika. I'm extremely sorry. You are. Yeah. एक बार एक बात करना अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार. बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार. हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त. तो यंग डेज मींस तेरी क्या उम्र है? दाढ़ी को डाई किया ना तूने? डाई किया ना दाढ़ी तूने? फिर क्या बोल रहा है तुमसे यंग एज यंग एज? हाँ अब बोल रहा है कॉलेज डेज अभी. हाँ अब्बू फिर आप बुड्ढा है ही. अबू आप बुड्ढा है ही. जो अच्छा, इस आपने इससे पहले कहा था कि आपकी हर फिल्म में आपकी हीरोइन का नाम सबसे पहले आएगा, तो इस फिल्म में भी ये होगा? जी, विवान का नाम सबसे पहले आ रहा. हाय शाहरुख, दिस इज उर्वी यर फ्रॉम पिंकुला टू योर राइट. Hi, my question is to you and Kajol both. We just now had gone for a tamasha event where Ranbir and Deepika both said that your and Kajol's chemistry is beyond palang tod. And they also said that, nobody can replace you all. What is your reaction to this comment? Inka sawal hai Urvi ka, ki Ranbir aur दीपिका ने कहा है कि हमारी जो केमिस्ट्री है इज बियॉन्ड पलंग तोड़. लेट मी स्पेसिफाई, पलंग तोड़ इज देयर केमिस्ट्री रेटिंग मीटर व्हिच इज पलंग तोड़ इज द हाईएस्ट, सो दैट इज व्हाट दे सेड. इतना तो मुझे भी मालूम है. मैं सिर्फ लगता जेंटल हूं नहीं मैं. आप जवाब दें इसका प्लीज. हम शादीशुदा लोग हैं, हमसे ऐसी बातें मत किया करो तुम लोग यार. It's very sweet of them. I think they are wonderful. They are great friends, great co-actors. I worked with them. I don't know if you worked with either of them, but they're beautiful people. And I actually, as a matter of fact, on the way, jab main traffic ko beat kar raha tha, to maine padha unhone jo kaha. And it's first of all, I think it requires a really big heart and to have this kind of feeling for other actors. And of course, we've been there for 20 years, and we've tried to create by chance actually. Humko to malum nahi padti ki hamari matlab. खिड़की तोड़ है, पलंग तोड़ है, क्या हम दोस्त हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है. और हमारा जो हाँ घर तोड़ कुछ पता नहीं है. तो हम बस जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव दिस थॉट इन अ माइंड आई थिंक इसलिए ज़्यादा नेचुरल लगता है.
But having said that, I think both of them are fantastic too. अब वो पलंग टूटता है नहीं टूटता उनसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी सॉलिड है वो। शाहरुख जी आपके राइट में, शाहरुख जी किधर किधर आपके राइट में, शाहरुख जी, शाहरुख जी जब से फिल्म जीरो का टीजर आया है तब से हमारे सोशल मीडिया पर जो भी इंडियन क्रिकेटर जो है जीरो पर आउट होता है उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि क्यों भाई आप जीरो को प्रमोट कर रहे हैं क्या। आपसे ऐसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसे आप चाहेंगे कि ये जीरो पर आउट हो और थोड़ा सा और प्रमोशन हो हमारी फिल्म जीरो का। सर दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स मिक्स्ड टुगेदर। मैं तुझे बताऊँ जिस जगह पर मैं बैठा हुआ, अगर मैंने इंडियन क्रिकेटर की छोटी सी भी कोई बात ऐसी बोली जो गलत है, फिर से तमाचा आएगा करके ऐसा। मालूम है कहाँ बैठा हूँ मैं, तो शर्म नहीं आ रही है सवाल करते, जानता कौन है ये? इसीलिए तो पूछा। ये मिसेस क्रिकेटर तो हैं, और इनके सामने हम इंडियन क्रिकेट की कोई भी टीम की बात को छोटा कह सकते हैं? शर्म आनी चाहिए तुझको। We move to our next question. Mr. Khan, you are the senior most over here and the producer. No, Baman is by far the senior most. Do you think Baman is younger than Shah Rukh? Yeah. Security is at me. So, Shah Rukh, could you please allow me if I can I ask Farah and then come back to you? बेटा जो करना है तो बुड्ढा बोल दिया तो मैं जो करना है करूँ। तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। मेरा प्रश्न है, बोल ही दो, बहुत गुस्सा हो रहे आप तो। हाँ, अपना टाइम शुरू जैसा आपका टैगलाइन है फिल्म का, तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि समय टाइम आपके लाइफ में कितना ज़रूरी है और इसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं या हर किसी के लाइफ में कितना ज़रूरी होता है? पहले तो मैं ये बात को बता दूँ कि मैं वक्त पे आता हूँ हर जगह, तो आप जानते हो। या वेरी फेमस फॉर दैट। इतना तो मत हंसो यार। थोड़ी मेरी आंख की शर्म तो रख लो। फरा, पहली बार आपने इंडिया से बाहर शूटिंग की है, ऐसा क्यों? स्क्रिप्ट की डिमांड थी सुमित, मतलब जो न्यू ईयर था वो दुबई में होता है और इसीलिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा गया था ऐसा। फरा, यही होता है कि हर साल सब लोग, आप लोग दुबई चले जाते हो 31st लेके 3 तारीख तक, सब लोग दुबई में। मैं पहली बार गई हूँ दुबई यार। पर लोग दुबई जाते क्यों हैं स्टार्स? हाँ सॉरी, क्यों गए थे तुम लोग दुबई? कम वक्त तो एक बार एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार, हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। कुछ तो गड़बड़ है बॉलीवुड में, रणवीर सिंह, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा सभी शादियां कर रहे हैं। अनुष्का, यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड। अनुष्का, यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ वेडिंग एंड वेडिंग सीजन है अभी बॉलीवुड में, तो आप क्या विशेष देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स? ये ट्रेंड ना मेरे बाप मां ने शुरू किया था। इसने कैसे कर दिया? अनुष्का ने शादी की तो सब शादी, ऐसे थोड़ा होता है, शादियां तो कब से हो रही हैं। रणवीर, दीपिका एंड आपके क्लोज फ्रेंड्स है प्रियंका एंड ऑल, सब शादियां सब करें माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैं क्या करूँगा उनकी शादी पे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं क्या करूँगा? वो करेंगे शादी, वो मजे करेंगे, वो करेंगे बच्चे, मैं क्या करूंगा? मैंने जो करना था कर चुका हूँ। आप जा रहे हो शादी में? बार बार शादी करता रहूं, ऐसे थोड़ा होता है। अनुष्का, आप क्या कहेंगे? यू हैव स्टार्टेड द जो ट्रेंड तूने शुरू किया था, एक ऐसा करते मैंने ना एक साइट पे देखा हुआ है, क्या कहते हैं, ए और ने फॉर द ट्रेंड, ये और ने, तो जो इसने ट्रेंड शुरू किया है उसके लिए ये, क्योंकि ये बोलो सब, इसने जो ट्रेंड शो किया है शुरू किया शादियों का, इससे पहले जो एग्जिस्ट नहीं करता था, और तुम लोग कैसे पैदा हुए मुझे पता नहीं, बट सब बोलो ने ने ज्यादा है, तो तेरा ट्रेंड फ्लॉप हो गया। आई थिंक व्हाट शी मींस द लेडी इज दैट अनुष्का'स वेडिंग वाज सो ब्यूटीफुली एंड क्लासली डन दैट इट री इंस्पायर्ड अस ऑल इन लव अगेन, एंड आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ आई रिमेंबर व्हेन आई सॉ दैट पिक्चर I got all sentimental and I was like, wow, yeah, that's so nice. And I know everyone felt that way because it was, there was so much beauty in that one picture. Everyone was looking at it and feeling that they were reminded of love again, you know, in that moment. You're right. I also felt it. Maine bhi dekha, main kaha Virat Kohli se meri shaadi honi chahiye. Shah Rukh Sana from Indian Sports. Serious note, Shah Rukh. Thank you so much. Thank you so much. Tu to reh gaya.
ईद मुबारक आपको भी. ये वही है ना वो दुबई वाला सर आवाज से. अब 25 साल हो गए ना, अच्छा एक्टर बन रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ. वैसे शिल्पा अच्छी नहीं लगती, अलग लग रही. आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, आई थिंक सबके सब अच्छे लग रहे हो. एंड नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि ईद में ना सब ड्रेसअप होके आते हैं, सबके सब ऐसा रूल बनाते हैं और काम करने की जरूरत नहीं है. 5 मिनट काम करेंगे और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे. 2018 में. थैंक यू सो मच. अच्छा ये रूल बनाते हैं, सुमित आप डिसाइड करना ड्रेस कोड, लड़कियों का कलर और लड़कों का, और हम सब वैसे पहन गए. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं भी जेन्युइनली बोल रहा हूँ. एक महीना पहले कांटेक्ट करके तो सबको आप आगाह कर देना कौन से कपड़े पहनने, कुर्ता पजामा है, सलवार है, कि सब सलवार कमीज पहनेंगे, अचकन पहनेंगे, सूट पहनेंगे, टी शर्ट शर्ट पहनेंगे, जो आपका दिल करे. कलर कोड आप डिसाइड कर लेना कि लड़कियाँ लाल में होंगी या पीले में होंगी, सफ़ेद में होंगी, लड़के काले में होंगे, लाइट ब्लू में होंगे. सो एटलीस्ट सब सेम के सेम लगे. तो अब तक क्या कर रहा था वो? अभी तो तारीफ के 5 मिनट यहाँ पे लग गए. Thank you everybody and Mubarak. Thank you. All right, so that was the Shahrukh Khan for you. You know, Shahrukh Khan ki yahi ek khoobsurat baat hai ki chahe wo 3 ghante ki picture ho ya 30 minute ka interview ho, wo aapko pakad ke rakhte hai apne sense of humor se, apni ek ada se, apne bol se, aur you know jis tarah se wo jawab dete hai, I think bahut hi quick answer, bahut hi rapid answer dete hai, isliye unko VTS kaha jata hai in the Bollywood. And I think wohi Shahrukh Khan hi hai jinhone ek tarah se trend shuru kiya tha, jo awards functions hai usme alag alag spoof banana, उसमें यू नो एक दूसरे को पूछना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना. और जो ओरिजिनली आप बोल सकते हैं कि वो शायद साजिद खान ने किया था और उन सब लोगों ने किया था, बट उसको फेमस किया शाहरुख खान ने और उनके साथ जितने भी कलाकार आए वो शाहरुख खान की वजह से वो लोग भी आई थिंक एक तरह से उसमें एक यू नो उनके एक हुनर आ गया, एक उनमें भी एक शार्पनेस आ गई. सो इस वीडियो की भी आप देखिए यू नो वो जो क्लिप है अलग अलग इंटरव्यूज की, और शाहरुख खान जिस तरह से जवाब देते हैं आई थिंक वो तो देखते ही बनता है. यही सबसे खूबसूरत बात है शाहरुख खान की भी, knows how to take jokes on himself. वो खुद भी अपने ऊपर jokes बताते हैं कि अब तो तू पूछ ले, तूने तो मुझे बुढ़ा बोल दिया है, तो अब कुछ कोई बात नहीं. सेम वीडियो में आप देखें कि एक और इंटरव्यू में भी कोई इसी तरह से पूछता है उनको, और उनको वो बोलते हैं कि यार तू तो यार अपनी दाढ़ी वो डाई करके आया है, तो तू मुझे क्या बता रहा है जवानी के दिनों के बारे में. एंड दैट्स शाहरुख खान. वो आई थिंक इसीलिए बोलते हैं बिकॉज उनको एक अच्छी एक रिलेशनशिप मेंटेन की है उन्होंने सभी कॉरेस्पोंडेंट्स के साथ, सभी रिपोर्टर्स के साथ, और वो उनके साथ उठना बैठना रहता है, बहुत ही हम्बल तरीके से वो बात करते हैं, सबको अच्छे ट्रीट करते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं. यू नो जो आखिरी जो पार्ट था वीडियो का उसमें वो ईद के ऊपर बोल रहे थे शायद, और यू नो सभी को काफ़ी हम लोग देखते हैं मीडिया में भी काफ़ी एक तरह से अच्छा वो ट्रीट करते हैं, सबको अच्छी पार्टी देते हैं, रिपोर्टर्स को भी एक अच्छी तरीके से यू नो ऑर्गेनाइज पार्टी देते हैं. एंड दैट्स आई थिंक इट्स एन आर्ट यू नो टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद मीडिया, बिकॉज मीडिया का कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या पूछ ले, कब क्या छापते, क्या बोलते आपके बारे में. एंड ही नोज हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ऑल्दो इतने सालों में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज रही है शाहरुख खान के साथ, मैं समझता हूँ कि पिछले 5-6 साल में कुछ ज़्यादा रही है, लेकिन उससे पहले तो शाहरुख खान के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी. बट यू नो पिछले 7-8 साल से वो बात करे वो छोटी मोटी रहती है, बट आई थिंक दैट्स वे इट इज़ यू नो, क्योंकि अब मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आपकी छोटी से छोटी बातों के ऊपर यू नो एक तरह से बतंगड़ बना दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर चर्चा होती है, न्यूज़ होता है, डिबेट होती है, और फिर जो है वो माहौल एक तरह से उस तरह से बन जाता है. बट आई थिंक हैविंग सेड दैट उनका जो करियर रहा है, उनकी जो यू नो स्ट्रगल रही है लाइफ में, आई थिंक वो सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है, और इसीलिए शाहरुख खान आज वहाँ पर है, इसीलिए उनको बादशाह खान कहा जाता है, उनको नंबर वन कहा जाता है, किंग खान. And he is world recognized. I think उनको एक credit ज़रूर देना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर overseas market जो है especially उसमें Bollywood को वहाँ पर पहुँचाने का काम जो है वो शाहरुख खान ने किया है, especially जो उनके tours होते हैं, उनके events होते हैं. अगर आपने YouTube के जाके कभी उनके टूर्स देखे, बैक स्टेज देखे, और जो यू नो बिटवीन द शोज, बिटवीन द डेज ऑफ द शोज जो भी उनकी एक तरह से जर्नी होती है, बहुत ही आपको लगता है कि एक यू नो
कितनी मेहनत होती है, कितनी उनकी एक एफर्ट होती है, और शाहरुख खान बनना इतना आसान नहीं है, हर कोई बन नहीं सकता. सो या वी आर फैन ऑफ शाहरुख खान एंड एज अ फैन वी डेफिनेटली एंजॉय दिस वीडियो, वी ऑलवेज डू. एंड आपने भी आई एम श्योर कि एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके मेरा रिएक्शन पसंद आया तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. सो या गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी ऑन दिस वीडियो, ऑन दिस रिएक्शन. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ yours and your family. I will see you again. Till then, bye bye and take care.